धनबाद SSL&T महिला महाविद्यालय में युवा महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय जिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर की कई स्कूलों से आई इंटरमीडिएट की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में खो खो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर दौड़ समेत 6 प्रकार के खेल आयोजित किए गए। इस खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। यह पहला मौका है जब ऐसे आयोजन में इंटरमीडिएट की छात्राओं को शामिल किया गया है। खेल का आयोजन किया गया आज SSL&T कॉलेज में छात्राओं, ये हमारे इंटरमीडिएट इकाई की छात्राएं हैं, उनका वार्षिक खेल कूद का आयोजन आज हो रहा है। कौन कौन सा खेल हो रहा है यहाँ पे? किस तरह का खेल का आयोजन है और कितने दिनों तक चलेगा ये? ये 2 दिवसीय खेल है, ये 2 दिवसीय खेल है आज। हाँ, ये युवा महोत्सव के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ये खेल का आयोजन किया गया है। आज की तारीख में 6 खेल हमारे पास है, ऊंची कूद, लंबी कूद, बैडमिंटन, बादा दौड़, खो खो एवं कबड्डी, और कल भी हमारा खेल होगा 10 बजे से लेकर के। कल 6 रेस का आयोजन किया जाएगा, 100 मीटर का दौड़ है, बोरा दौड़ है, इसमें जलेबी दौड़ है, रिले दौड़ है, म्यूजिकल चेयर है और 3 लेग्स दौड़ है। तो छात्राओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ है इंटरमीडिएट के लिए। प्रथम बार हमारे प्राचार्य महोदय के सौजन्य से ये खेल का आरंभ हुआ है, वार्षिक खेल उत्सव। पूरा अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर सुनीता हेमरम, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इंटरमीडिएट की कोऑर्डिनेटर।